उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं और इस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन इस बीच हम बात करेंगे उन तमाम छोटे दलों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपनी राजनीतिक साख बनाई है। वहीं ये राजनीतिक दल आने वाले समय में अपनी नई दशा और दिशा भी तय करेंगे। कौन है वो राजनीतिक दल, आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। ।2022 में आए विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरा सबसे बड़ा दल अपना दल है। अपना दल ने इस विधानसभा चुनाव में अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद गुरुवार को आए विधानसभा के नतीजों में अपना दल ने 12 सीटें जीती। अपना दल का यह आंकड़ा 2017 के विधानसभा चुनावों से बड़ा है। कहने को तो राष्ट्रीय लोक दल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 8 विधायकों के साथ राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी तरीके से पिछले चुनावों में पहली बार कई सालों के संघर्ष के बाद ओम प्रकाश राजपति, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था और 4 सीटें जीत पाई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटें पाकर 5वें नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में निषाद पार्टी उभर कर आई। निषाद पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में 6 विधानसभा सीटें मिली हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पहली बार राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले कुंडा के रघुराजा प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को भी 2 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों वाले राज्य में तकरीबन 9% सीटें छोटे छोटे राजनीतिक दलों को मिली हैं, जो उत्तर प्रदेश में अपने न सिर्फ पांव पसार रही थी बल्कि आने वाले चुनावों में प्रदेश और आसपास की सीमाओं से लगने वाले अन्य राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार बैठे हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के नेता 2022 विधानसभा के परिणामों से इतना उत्साहित हैं कि वे कहते हैं जनता ने खास तौर से उनके समाज ने एक बड़ा जनादेश देकर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के उन सभी समुद्री तटों वाले राज्य और नदियों के किनारे बसने वाली जातियों और जनजातियों के लोगों को उम्मीद बनकर उनकी निषाद पार्टी खड़ी हो रही है। तो इससे ये साफ है कि ये छोटे दल आने वाले समय में या तो किंग मेकर साबित होंगे या फिर आने वाले समय में इनके हाथों में ही सत्ता की डोर आ जाए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये छोटे दल किस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देते हैं ये अलग विषय है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यही छोटे दल हो सकता है कि आने वाले समय में आप पार्टी की तरह ही अपनी एक अलग भूमिका लेकर राज्य या देश का भविष्य बदल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।